गुड़वाना राज की संकल्प, जिस गुड़वाना राज की परिकल्पना पैरवासी दादा ही रसी मरकाम जी ने किया था, जिस गुड़वाना राज की परिकल्पना परम सम्मानी प्रेम साहब बरावी जी अपने गीत गायन के माध्यम से करते हैं, जिस गुड़वाना राज की परिकल्पना हमारे साहित्यकार और इतिहासकार लोग करते हैं, जिस गुड़वाना राज की परिकल्पना को लेकर महाराजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब जैसे लोग हंसते हंसते तोप के मुंह में उड़ गए, जिस गुड़वाना राज की परिकल्पना को लेकर वीर नारायण सोना खान 10 दिन तक फांसी पे लटक के रहा, जिसके मांस को चील और कौवे नोच के खाए थे, उस गुड़वाना राज की परिकल्पना को हमको पूरा करना होगा साथियों। और वो गुड़वाना राज की परिकल्पना क्या है, क्या है वो गुड़वाना राज की परिकल्पना? वो मेरे मुंह से मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, अगर आप लोग पढ़े लिखे हो गए, मंडला में जो उद्बोधन हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री परम सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया था, उस उद्बोधन को सुन लेना, वही तो गुड़वाना राज की परिकल्पना गुड़वाना गठबंधन पार्टी का है साथियों। शिवराज सिंह चौहान जी ने वहां पे कहा कि गुड़वाना का राज एक ऐसा राज था जहां दूध की नदियां बहा करती थी, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे, सोने के सिक्के चला करते थे, घरों में ताले नहीं लगा करते थे। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस गुड़वाना राज की बात किया था, वही गुड़वाना राज की परिकल्पना पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया था, और वही गुड़वाना राज के सपने को साकार करने के लिए गुड़वाना गणतंत्र पार्टी कृत संकल्पित है साथियों। मातृशक्तियों को सम्मान मिलना चाहिए, बच्चे और जो युवा हैं उनको पढ़ाई निशुल्क पढ़ाई मिलनी चाहिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दवाई मिलनी चाहिए, किसानों के खेत में सिंचाई होनी चाहिए, और जो पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार है उनकी कमाई बढ़नी चाहिए, यही परिकल्पना तो गुड़वाना राज की परिकल्पना है साथियों।